गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ का लेसन फोर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है द लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड, हिमपात की भूमि ग्रीनलैंड। डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल। ग्रीनलैंड पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जीवन शैली है। व्हाट डू यू थिंक हाउ पीपल लिविंग इन कोल्ड एरियाज? आपको क्या लगता है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग कैसे हैं? द एरियाज फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द पोलर रीजन्स। आइए विचार करें कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल से उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के लिए आर्कटिक सर्कल को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, अंटार्कटिक सर्कल को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। बोथ दीज एरियाज हैव एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इन दोनों क्षेत्रों में साल भर अतिरिक्त ठंडी जलवायु होती है। मोस्ट ऑफ दीज एरिया आर कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बर्फ और बर्फ से ढके हुए हैं। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द टुंड्रा रीजन्स। दुनिया के इस हिस्से को टुंड्रा क्षेत्र कहा जाता है। टू अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन्स वी विल स्टडी ग्रीनलैंड इन दिस चैप्टर्स। इस क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली को समझने के लिए हम इस अध्याय में ग्रीनलैंड का अध्ययन करेंगे। लोकेशन पहले आपका दिया है। स्थिति, मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित है। द नियरेस्ट कॉन्टिनेंट टू ग्रीनलैंड इज नॉर्थ अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में, ग्रीनलैंड का निकटतम महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। इज लेड टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड इज ओनली 650 km अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव से केवल 650 किलोमीटर दूर है। इट इज़ द बिगेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इट पॉपुलेशन इज अबाउट 60,000। यहाँ की जनसंख्या लगभग 60,000 है। मोर देन 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ आइस कैप। ग्रीनलैंड का 80% से अधिक हिस्सा बर्फ के आवरण से ढका है। ओनली 20% ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड, दैट टू इन साउथर्न पार्ट ऑफ द आइसलैंड अलोंग द कोस्ट। केवल 20% भूमि पर ही खेती की जाती है, वह भी तट के किनारे के दक्षिणी भाग में। इट इज अ मेंबर कंट्री ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क राज्य का एक सदस्य देश है। कौन सा सदस्य देश है? नुक गुंथॉप जो है डेनमार्क राज्य का एक सदस्य देश है। इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड का कैपिटल भी है, राजधानी भी है। ग्रीनलैंड शेयर इट बॉर्डर विद द अटलांटिक ओशियन इन द साउथ ईस्ट, द ग्रीनलैंड सी इन द ईस्ट, द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ एंड द बेफिन वे इन द वेस्ट। ग्रीनलैंड जो है समुद्र उत्तर में, ग्रीनलैंड जो है दक्षिण पूर्व में अंटार्कटिक महासागर, पूर्व में ग्रीनलैंड समुद्र, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में बॉफिन खाड़ी के साथ अपनी सीमा शेयर करती है, अपनी जो बाउंड्रीज है उसे शेयर करती है। आइसलैंड एंड कनाडा आर कंट्रीज नियरेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। आइसलैंड और कनाडा ग्रीनलैंड के निकटतम देश हैं। क्लाइमेट्स, जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। ग्रीनलैंड की जलवायु को ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। इट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर्स। ये पूरी साल बहुत ठंडा रहता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे कम वर्षा। द टेम्परेचर इज अवे बिलो 0°C। तापमान हमेशा यहाँ 0°C से नीचे रहता है। ड्यूरिंग विंटर वंस, सर्दियों के दौरान, मे नॉट सी द सन फॉर सेवरल मंथ।
सर्दियों के महीने में कई महीनों तक सूरज नहीं देखा जा सकता। द क्लाइमेट कंडीशन आर रिवर्स ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मी में मौसम में जलवायु की स्थिति उल्टी हो जाती है। द वेदर इज ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। गर्मी के मौसम में जलवायु की स्थिति उल्टी हो जाती है। मौसम विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में धूप और चमकीले होते हैं। इवन थ्रो देयर इज कंटिन्यूस सनलाइट सेवरल वीक्स टेम्परेचर स्टिल रिमेन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट्स। हालांकि कई हफ्ते तक लगातार सुंदिल होता है फिर भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। एज द सन हियर नेवर सेट ड्यूरिंग द समर। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे गर्मियों के दौरान कभी सूरज जो है कभी भी अस्त नहीं होता है। और फिर आपका है ग्रीनलैंड इज कॉल्ड द लैंड मिडनाइट सन। इसीलिए ग्रीनलैंड को मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है, ये मतलब रात का सूरज। वेजिटेशन वनस्पतियाँ। एज ऑलमोस्ट द होल आइसलैंड इज कवर्ड विथ आइस देयर इज हार्डली एनी ग्रीनली। लगभग पूरे द्वीप को बर्फ से ढक दिया गया है, शायद ही कोई हरियाली हो। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर अ नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट स्प्रिंग एंड फ्लोरिश। जैसे कि छोटी गर्मियों के दौरान कई छोटे पौधे वसंत और पनपने लगते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द रीजन हाउएवर कॉन्स्टेंट द मॉसेस लिचेंस। यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं हालांकि लाइकेन के रूप में होते हैं। दे आर यूज एज फोल्डर फॉर एनिमल्स। इनका उपयोग पशुओं के चारों के रूप में किया जाता है। करंट्स ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज एज ग्रोन हियर। यहाँ पे ब्लूबेरी क्रैनबेरी यहाँ पे करंट उगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज ब्रिज ट्रीज विलो फ्रेंस एंड सम हर्ब्स ग्रोन इन द वैलीज ऑफ साउथर्न ग्रीनलैंड। इनके अलावा दक्षिण ग्रीनलैंड की बर्फीली घाटियों में बर्च के पेड़ विलो फर्न और कुछ जड़ी बूटियाँ उगती हैं। वाइल्ड लाइफ वन जीवन। ओनली दोज एनिमल दैट कैन विथ स्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड एंड फाउंड इन ग्रीनलैंड। केवल वे जानवर जो अत्यधिक ठंड का सामना कर सकते हैं वे ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। हियर एनिमल लिविंग इन ग्रीनलैंड हैव थिक कोट ऑफ फर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द बिट्टी कोल्ड। ग्रीनलैंड में रहने वाले जानवर खुद को बचाने के लिए फर के मोटे कोट होते हैं। ग्रीनलैंड में जो जानवर रहते हैं उन वो अपने को ठंडी से बचाने के लिए उनके ऊपर क्या रहता है, मोटे मोटे कोट रहते हैं, मतलब मोटी कवर रहती है उनके बॉडी पे। एनिमल दैट आर फाउंड हियर इंक्लूड्स द रेंडर द पोलर बियर द मॉक्स ऑक्स सील्स वॉल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड ह्यूसेस। यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं या पाए जाने वाले जो जानवर इसमें से बारहसिंगा ध्रुवी भालू कस्तूरी बैल जवानों जैसे भेड़िए जैसे कुत्ते शामिल हैं। इन कुत्तों का उपयोग किस लिए किया जाता है। दिस डॉग आर यूज इन हंटिंग एंड पुल स्लेजेस। इन कुत्तों का उपयोग शिकार करने के लिए और स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। अमॉन्ग द स्मॉलर एनिमल द आर्कटिक फॉक्स द आर्कटिक वोल्व्स एंड द आर्कटिक हेयर कलर ऑफ शूज कोट चेंज अकॉर्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। छोटे जानवरों में आर्कटिक लोमड़ी आर्कटिक भेड़िया और आर्कटिक हर जूते के कोट का 12वां रंग भूमि की सतह के अनुसार बदलता रहता है। इकोनॉमिक रिसोर्स आर्थिक संसाधन। फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। मत्स्य पालन और शिकार करना मेन पेशा होता है ग्रीनलैंड के लोगों का। देयर मेन हंटिंग वीपन इज हरपून्स। उनका जो मेन शिकार है वो करने का औजार है हथियार है वो क्या है, हरपून है। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेयर विथ अ लॉन्ग रोप ऑफ लेदर अटैच्ड इट। इसका जो यह चमड़े की एक लंबी रस्सी से जुड़ा हुआ एक प्रकार का भाला होता है। हरपुंस क्या होता है, चमड़े की रस्सी से जुड़ा हुआ एक प्रकार का भाला होता है। इट इज़ यूज टू हंट सील वैलरस एंड बिग फिशेज। इसका इस्तेमाल सील वॉलरस और बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए किया जाता है।
द एस्किमो बोट इज कॉल्ड कायक। एस्किमो की नाव को क्या कहा जाता है? ग्रीनलैंड टुडे इज क्रिटिकली डिपेंड ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट। ग्रीनलैंड मछली पकड़ने और मछली निर्यात पर गंभीर रूप से निर्भर है। द शिपिंग फिशिंग इंडस्ट्री इज बाय फॉर द लार्जेस्ट इनकम अर्नर। यहाँ पे जो है ग्रीनलैंड झींगा मछली पालन उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आय कमाने वाला है। न्यूमेरियस मिनरल प्रोस्पेक्ट आर ग्रोथ इन इंक्रीजली दीज इंक्लूड एल्युमिनियम निकल प्लेटिनियम टंगस्टन टाइटेनियम कॉपर। यहाँ पे बताया कि कई खनिज संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं ग्रीनलैंड में। कौन कौन से खनिज वहाँ पे हैं? एल्युमिनियम निकल प्लेटिनियम टंगस्टन टाइटेनियम और कॉपर आदि शामिल है। द कंट्री होल्ड कॉन्टेस्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट सच अ डॉग रेसिंग आइस फिशिंग हिकिंग एंड क्रॉस कंट्री रेसिंग। देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जैसे कंपटीशन वहाँ पे रखा जाता है कि वहाँ पे लोग टूरिस्ट जो है वो आकर्षित हो, वहाँ पे जाएं, अट्रैक्ट हो। कौन कौन से कंपटीशन होते हैं? जैसे कुत्ते दौड़ाना, बर्फ में फिशिंग करना, लंबी पैदल यात्रा और भी कंट्री की रेसिंग जो होती है, क्रॉस कंट्री रेसिंग, वो सारी चीज़ें। अब हम आपको आगे यहाँ से पढ़ाएंगे लाइफ ऑफ द पीपल नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और जो ये आपके लेसन्स हैं, आप इसमें क्या करोगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड आप सर्च करोगे और सर्च करने के बाद आप इसके डिफिकल्ट वर्ड को याद करोगे। डिफिकल्ट वर्ड ढूंढने के बाद आपको इसे याद करना है। अब हम आपको इसके आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे।